हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रॉस रियल फिटनेस एकेडमी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि आप फिज़िकल देने के लिए जाएं, आप किसी भी तरह का फिज़िकल देने के लिए जाएं और अगर उसमें गोला फेंक मांगा गया है तो आपको गोला फेंकने जब जाते हैं फिज़िकल में, आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी के लिए भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है तो आपने ज़रूर देखी होंगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप गोला फेंकने जाएं तो आपको पांच गलतियां नहीं करनी है। तो आज मैं वो आपको गलतियां बताऊंगा कि आपको कौन सी पाँच गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं जो मैंने लिया है मीटर टेप। तो मैंने ये मीटर टेप लिया है तो इसमें देखिए आपको लेना है जो रेडियस रहती है, जो आप एक रेडियस लेंगे उसके हिसाब से एक राउंड लगाएंगे। तो गोला का जो राउंड रहता है मतलब कितना रहता है तो वो मैं आज बताऊंगा। तो ये हो गया, गोला का राउंड रहता है 1.067 मीटर। ध्यान से सुनिए गाइज, 1.067 मीटर। मैंने पहली वीडियो में बोला है पर किसी ने 1.67 मीटर कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1.67 मीटर करेंगे तो लगभग 2 मीटर के समथिंग, मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कहीं आ जाएगा, 1 मीटर ये हो गया और ये, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ऐसा इतना रेडियस नहीं रहता। तो आपको करना है 1.067 मीटर, मतलब 1 मीटर के आसपास ही रहेगा। तो ये हो गया मेरा मीटर टेप और आप देख सकते हैं कि ये है मीटर का डिस्टेंस। तो आप समझ रहे हैं यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस रहेगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोला कैसे बनाते हैं और मैं गोला बना लेता हूँ। मतलब इसके हिसाब से आप राउंड लगाएंगे ऐसा पूरा राउंड। ये पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं आप कि मैंने गोला कैसे बनाया है, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए गाइस गोला बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। हाँ, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये गोला बन गया है और इसकी आप रेडियस देख सकते हैं और ये है गोला जो कि बॉयज़ के लिए, बॉयज़ का है ये, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही आप जाएंगे तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि जैसे भी आप फिज़िकल देने के लिए जाएंगे तो आपके जस्ट इधर या किसी साइड ऑफिशियल बैठे रहेंगे। तो ऑफिशियल बैठे रहेंगे तो वो गुड थ्रो या फाउल ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वो उनके पास रहेगा एक रेड झंडी और दूसरा वाइट वाली। तो जैसे कि आप फाउल करते हैं तो वो रेड दिखा देंगे और आप अच्छा थ्रो करते हैं तो आप वो वाइट दिखा देंगे, मतलब आप पास हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, ऑफिशियल बैठ रहेंगे आप गोला उनके साइड से उठा के जाएंगे और आपको गलती ये नहीं करनी। फर्स्ट गलती आपकी, देखिए आप गोला लेके जा रहे हैं और आप यहाँ से एंटर हो गए गोले, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है गाइज़। ये फर्स्ट गलती, ये नोटिस करना है आपको। आपने गोला लिया, चेक कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना है। ठीक है, एंटर कर लिया आपने, फिर आप चाहे आपका जो भी हाथ हो, मतलब ये लेफ़्ट से फेंके या राइट, ये राइट से फेंके या लेफ़्ट से, तो आप जिससे भी थ्रो करते हैं आपकी जो पावर है, अगर आप लेफ़्ट से करते हैं तो ये पोजीशन लेंगे और अगर आप राइट से करते हैं तो ये वाली पोजीशन लेंगे। और फिर सेकंड गलती, आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से लेंगे और फिर आप थ्रो करेंगे खड़े खड़े, हो सकता है थोड़ा पैर आगे निकल जाए तो आपका फाउल हो सकता है। तो आप क्या करें, सेकंड जो नोटिस करने वाली है, तो आप क्या करें, यहाँ पे खड़े हों, ठीक है, ये बीच में एक पॉइंट रहेगा, आप यहाँ से स्टेप लेंगे और यहाँ से आके फेंक देंगे तो बाहर भी नहीं जाएगा, ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड, क्या गलती नहीं करनी है आपको, आपने फेंक तो दिया गोला, आपने ये गोला फेंक दिया, ठीक है, मैंने बताया कि लाइन के बाहर नहीं जाएगा, सेकंड गलती आपको नहीं करनी। लाइन के बाहर किया मतलब फाउल, वहाँ से रेड वाली जो झंडी है वो दिखा देंगे वो लोग, ऑफिशियल जो रहेंगे। ऑफिशियलिंग ऐसे ही होती है, अब ये सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाए तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता कंडीशन के हिसाब से, लेकिन जो ऑफिशियलिंग होती है वो ऐसे ही होती है। आपने सेकंड गलती नहीं करी, फिर आपको थर्ड गलती पे नोटिस करना है क्या करना है आपको। तो आपने है ना ऐसा गोला फेंक दिया, पैर तो बाहर नहीं निकला, ये तो बाहर निकल गया, जैसे ये बाहर नहीं निकला पैर, आपने गोला फेंक दिया, आपका गोला अटेम्प्ट हो गया, आपका अटेम्प्ट हो गया, अब आप जा सकते हैं। हमने बोला 3 अटेम्प्ट मिलते हैं तो आपका फर्स्ट हो गया, आपके अब बोलेंगे आप जा सकते हैं, साइड में खड़े हो जाइए। तो आपने क्या किया, गोला फेंक के आगे से निकल गए। तो ये हो गई थर्ड गलती, मतलब तीसरी गलती ये हो गई आपको गोले से बाहर
आगे से नहीं निकलना है, ये करना है, आपने गोला यहाँ से फेंक दिया और फिर आपको पीछे से जाना है यहाँ। तो ये हो गई तीसरी गलती। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चौथी गलती। चौथी गलती में ये होता है कि वो आपको ध्यान देना है कि आप सोच रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मार्किंग यहाँ से होती है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वो गोला फेंका, आप देख सकते हैं वो गोला वहाँ पे डला हुआ है जैसे। तो आपने मार्किंग में क्या किया, आपने प्रैक्टिस करते टाइम आपने क्या किया, आपको आपकी मार्किंग यहाँ से हो रही है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ से, आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से मार्किंग दे रहे हैं और वहाँ से। तो आपका जो डिस्टेंस मांगा जा रहा है, एलिजिबिलिटी जो है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि मेरा तो पूरा आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। आपकी मार्किंग होगी यहाँ से, ये मार्किंग होगी आपकी यहाँ से। और इसी गलती में आपको ये भी नोटिस करना है, ये यहाँ से मार्किंग होगी और गोला जहाँ पे गिरेगा ज़मीन पे वहाँ से ही होगी। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गोला है, ये गोला है और आपने ऐसा फेंका, मैं नॉर्मली फेंक रहा हूँ, आपने ऐसा फेंका और ये गिरा कहाँ पे, यहाँ पे, और आप सोच रहे वहाँ तक गया तो वहाँ से मार्किंग हुई। बिल्कुल गलत है, ये यहाँ से मार्किंग हुई जहाँ से गिरा है। तो यहाँ से और ये इतना ही डिस्टेंस नापा जाएगा, ना कि वहाँ से। तो ये फोर्थ गलती है आपकी। तो ये भी ना करें, प्रैक्टिस टाइम भी ना करें और वहाँ पर तो आप होगी नहीं, क्योंकि वो लोग तो ऑफिशियल रहेंगे तो वो चेक करेंगे उस हिसाब से। हाँ तो गाइज़ ये हो गई चार गलतियाँ, आपको नहीं करनी है। पांचवी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप गोले के अंदर हुए एंटर और आपके पास ये ऑप्शन रहेगा सेक्टर, जो कि ये है, एक लाइन और एक ही लाइन। मैं इतना बड़ा बनाना नहीं चाहता था, क्या है कि टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें, तो मैंने ये छोटा बनाया हुआ है। तो ऐसा ही करके पॉइंट बने होंगे, ऐसा एक सेक्टर बना होगा, एक सेक्टर ऐसा बना होगा, इस पॉइंट से मैच करके बनता है वो, इस पॉइंट से। तो यहाँ से आके और ये पूरा ऐसा सेक्टर बनता है, आप देख सकते हैं, देखो ऐसा थोड़ा सेक्टर बनता। तो आपने क्या किया, आपने थ्रो है ना, थ्रो बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने देखिए जैसे मैंने थ्रो किया ये, और ये मेरा सेक्टर है और मैंने सेक्टर से बाहर फेंक दिया, मैंने इस साइड फेंक दिया सेक्टर से। तो अगर मैंने सेक्टर से बाहर फेंका तो वो काउंट ही नहीं होने वाला, आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो काउंट ही नहीं होगा, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको सेक्टर से बाहर नहीं फेंकना है, मतलब सेक्टर के अंदर ही फेंकना है। आप इतने एक्साइटेड ना हो फेंकने में कि आपने ऐसा थ्रो किया और ऐसा सेक्टर से बाहर फेंक दिया, आपको सेक्टर के अंदर ही फेंकना है। और आप सेक्टर में ये गलती भी ना करें, मतलब आपने सेक्टर के बाहर फेंक दिया, मैंने आपको बताया कि मैंने ये देखो आपने ऐसा सेक्टर के बाहर फेंक दिया, एक्साइटमेंट में आपने पोजिशन ली, सब कुछ किया, प्रैक्टिस की आपने, काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस की, गोले की, आपका गोला आने भी लग गया, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, सेक्टर के बाहर फेंक दिया एक्साइटमेंट में। और अगर आपने एक्साइटमेंट में फेंक भी दिया है बाहर, तो आपके पास दो अटेम्प्ट और हैं। अगर फर्स्ट टाइम ये गलती करते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको सही फेंक देना है, तीन अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, कहीं दो मिलते हैं तो कहीं तीन मिलते हैं। तो ये हो गया, और साथ साथ इसको मैं गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि ये पाँच दो गलतियाँ मैंने आपको गिनवाई दी हैं कि ये पाँच गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और साथ में एक और चीज़ पे ध्यान देना है, जैसे कि आपने फेंका गोला यहाँ से, एक्शन ली और यहाँ से करके ऐसा चिल्लाया, मैंने बोला भी है कि आप चिल्ला के फेंकेंगे तो थोड़ा और दूर जाएगा, और अगर आप चिल्लाने की जगह आप अगर गाली वगैरह देते हैं इसमें और गाली देके आप फेंकते हैं गोला, जो बात है डेफिनेटली, मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि आप गाली देके फेंकते हैं गोला तो आपको तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब कि ऐसे वर्ड यूज़ ना करें आप गोला फेंकने में, मुझे पता है कि आपको गुस्सा आएगी और लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि गोला तभी दूर जाएगा जब आप गुस्सा लेके आएंगे अंदर से, लेकिन अगर आप गुस्से में भी हैं और उसके साथ साथ आपने गाली दी या कुछ भी ऐसा वर्ड बोल दिया जिससे ऑफिसर को दिक्कत है या कोई भी मतलब ऐसा थोड़ा माहौल बिगड़ने वाला हो, ऐसा कुछ हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे वर्ड बिल्कुल भी यूज़ ना करें, चिल्लाने का बोला है तो सिर्फ चिल्लाएं, ना कि कुछ उल्टे सीधे वर्ड बोलें, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।